गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जितेंद्र कुमार बारोलिया, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा. आज हम बात करेंगे EE208 माइक्रो प्रोसेसर एंड सी लैंग्वेज के टॉपिक एड्रेसिंग मोड के बारे में. एड्रेसिंग मोड जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एड्रेसिंग मोड क्या होता है. तो एड्रेसिंग मोड पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है. तो यहाँ हम रेफरेंस ले रहे हैं 8085 को. तो एड्रेसिंग मोड पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि होता क्या है एड्रेसिंग मोड. तो हम लोग जब भी जो भी आपका मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो वो किस तरीके से डेटा स्टोर होता है ये एड्रेसिंग मोड से डिसाइड होता है. जैसे कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एड्रेस क्या होता है. जैसे आपका एक ये एक ऑपरेंड ए है और ये आपका बी है, इसके ऊपर हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है ADD. तो जो आपका ए है, ए के अंदर आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, बी के अंदर आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, तो ये डिसाइड करना होता है कि डेटा हम लोग मेमोरी से ले रहे हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ये सब का सब आपके एड्रेसिंग मोड से डिसाइड होता है. तो ये सब चीज़ें हम लोग एड्रेसिंग मोड में देखेंगे. तो द नंबर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेज द प्रोग्रामर कैन रेफर टू डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी. तो अलग अलग प्रकार से जो प्रोग्रामर है वो डेटा को स्टोर कर सकता है मेमोरी के अंदर. द डिफरेंट वे दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस डेटा आर रेफर टू एज ए एड्रेसिंग मोड्स. तो जितने भी डिफरेंट टाइप से जो भी डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करता है वो एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं. इसमें आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड. तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहला आपका होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. 8 और 16 बिट डेटा कैन बी स्पेसिफाइड एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो इस वाले एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट आपका जो भी एड्रेसिंग मोड होगा, जो भी आपका डायरेक्ट एड्रेस होगा या मतलब आपका जो डेटा होगा, हम डायरेक्ट इसको पास कर देंगे. दिस इंस्ट्रक्शन हैवी आई लेटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी. तो आपको इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, जैसे MVI मूव इमीडिएट, MVI M7CH मूव इमीडिएट मेमोरी, LXI लोड इमीडिएट, ADI एड इमीडिएट. तो ये सारा जो भी आपका आई वर्ड अगर इसमें लगा होता है तो हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दे बोलेंगे. तो अब यहाँ पे जैसे आप इस वाले डायग्राम देख सकते हैं, हम इसको एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ये आपका जो है MVI C32H फोर यहाँ पे हेक्साडेसिमल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 32 जो डेटा है उसको सी के अंदर रजिस्टर के अंदर हम लोग मूव कर ले. इमीडिएट का मतलब इसलिए हो गया क्योंकि आप डायरेक्ट किसी भी रजिस्टर से या मेमोरी से डेटा नहीं उठा रहे, आप डायरेक्टली डेटा पास कर रहे हो रजिस्टर को, इसलिए हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लें यहाँ पे, मूव M33H. तो ये जो आपका डेटा है वो डायरेक्ट डेटा है, उस डायरेक्ट डेटा को हम लोग यहाँ पे मूव करवा रहे हैं. तो ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा. इसको हम लोग 0 byte इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. इसके बाद में हम जब नेक्स्ट चलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन रजिस्टर. अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो दो रजिस्टर के बीच में ट्रांसफ़र होगा. स्पेसिफाई द सोर्स, डेस्टिनेशन और बोथ ऑपरेंड इन द 8085 रजिस्टर. और जो सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा और दो जो ऑपरेंड होंगे उनको स्पेसिफाई करेगा. फास्टर एग्जीक्यूशन होगा इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. तो ये सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन होता है. इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, MOV A और B. जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे MOV A और B. अब यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो ए भी आपका रजिस्टर है और बी भी आपका रजिस्टर है. तो इसका मतलब होगा बी से जो भी डेटा है वो आप किस में मूव कर दोगे, ए के अंदर. तो आपको यहाँ पे क्या है, मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर वहाँ पे केवल आप काम में ले रहे हो. जैसे एक इंस्ट्रक्शन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ADD E.
जैसे ई के अंदर कोई डेटा है, आप उसको क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ऐड करने के लिए अपने को दो ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अपने को दो ऑपरेंड की आवश्यकता है, लेकिन जो आपका एक ऑपरेंड तो आपका ई के अंदर होगा, दूसरा ऑपरेंड आपके बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि आप ए और ई को क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, और ऐड करने के बाद में जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके ये वाला एड्रेसिंग मोड भी। इसके बाद में आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। स्पेसिफाई 16 बिट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड विद इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। सेकेंड एंड थर्ड बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन 16 बिट। इन इंटरफेस आईओ पोर्ट एड्रेस इज ओनली 8 बिट। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसा बोला जाए कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा कैसे आप डायरेक्ट उठा रहे हो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि आप डायरेक्ट आप उसको एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हो मेमोरी लोकेशन का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लोड एक्यूमुलेटर 2000H, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो आपका जैसे आप LDA 2000H। अब आपकी यहाँ पे ये क्या है, आपकी मेमोरी है, ये आपकी मेमोरी है, इसमें एक लोकेशन है 2000। मैं बात कर रहा हूँ ये एड्रेस की, तो ये एड्रेस इसको यहाँ से पास हो रहा है और डायरेक्ट आप उसके अंदर इसको एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो। इसका नाम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसलिए कहा गया है क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस पास कर रहे हो, न कि किसी का लोकेशन या मतलब आप डेटा का डायरेक्ट एड्रेस यहाँ पे पास कर रहे हो, इसलिए इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जाता है। एग्जाम्पल अपन और देख सकते हैं, LHLD 111H IN 75H। 75H का मतलब हो गया कि यहाँ पे बोला गया है कि आईओ पोर्ट होगा वो केवल 8 बिट का होगा, इसकी वजह से इसको इसको 75H यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो आपका सेकेंड या थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं ये, और ये 16 बिट के होते हैं। नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द मेमोरी एड्रेस वेयर द ओपरेंड लोकेटेड इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर पेयर। तो अब क्या होगा कि जो आपका अपन लोग डायग्राम से इजीली समझ लेंगे इस चीज़ को। जैसे मैंने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, MOV MD एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, MOV LD। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका किसी मेमोरी लोकेशन का यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा। जैसे आपकी ये मेमोरी लोकेशन है, ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस मान लेते हैं हम लोग 2000H। तो ये जो 2000H होगा एड्रेस, ये एड्रेस आपके इस रजिस्टर में क्या होगा, यहाँ पे सेव होगा। मीन्स इससे पहले क्या हो रहा था, हम इस डी की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट क्या पास कर रहे थे, एड्रेस, इसलिए इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि बीच में हम लोग एक रजिस्टर के थ्रू इसको भेज रहे हैं। मीन्स ये जो आपका रजिस्टर होगा यहाँ पे, ये जो रजिस्टर होंगे आपके, ये मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेंगे, ना कि कोई डेटा स्टोर करेंगे। तो जब भी हम इसको एड्रेस को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले रजिस्टर के पास जाएंगे, रजिस्टर से वो एड्रेस लेंगे, उस एड्रेस से उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएंगे। तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, क्योंकि जो मेमोरी का एड्रेस है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है, जो भी आपका एड्रेस होता है वो रजिस्टर पर कंटेंट रखता है। नेक्स्ट आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड भी आपका 0 byte इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्यों, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जैसे कि आपका CMA, आपका ए के अंदर कोई डेटा है, ए के अंदर आपका कोई डेटा है, अब आप क्या कर रहे हो, ए का क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। अब आपको पता है कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। मीन जैसे आपका ये डेटा है, इसका मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट करोगे आप इसका तो क्या होगा, ये वापस ए में स्टोर हो जाएगा। तो आपको किसी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसको इम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर ज़्यादा परफॉर्म करने में काम आता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका मशीन कंट्रोल ग्रुप, इसके एग्जांपल आपके ईआई, डीआई, एनओपी, एचएलटी, एसआईएम, रिम, ये सब मशीन होल्ड के हैं। इसके बाद में आता है आपका नल एड्रेसिंग मोड। तो जो नल एड्रेसिंग मोड है वो भी आपका ये आंसर इसका जो मशीन कंट्रोल ग्रुप है ईआई, डीआई, एनओपी, एचएलटी, एसआईएम, एरआईएम, ये सारे के सारे एड्रेसिंग मोड मशीन एड्रेस नल एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं। तो आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप यूट्यूब के ऊपर एड्रेसिंग मोड का मेरा एक वीडियो और है, उसको आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।